आपको पता है आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर भाजपा जीतती है तो सीएम कौन होगा? नहीं, चलिए आज हम इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, दो दशक में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बिना दूल्हे राजा के ही भाजपा बारात लेकर निकल पड़ी है। यानी भाजपा ने अब तक अपने सीएम कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं किया है। चलिए आपको हम बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। पिछले दो दशक से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे बीजेपी का चेहरा है, लेकिन पहली बार यहां भी पार्टी ने लीडरशिप को लेकर मैदान खुला रखा है। भाजपा एक के बाद एक नए कदम उठाकर इन राज्यों की सियासत और चुनाव को दिलचस्प बना रही है। हाल के दिनों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में नए चेहरों को पेश कर सकती है। मध्य प्रदेश के कैंडिडेट लिस्ट ने बीजेपी के सामूहिक नेतृत्व की मंशा को और मजबूत कर दिया है। इस लिस्ट में पार्टी ने ऐसे चेहरों को जगह दी है जिन्होंने सभी को हैरान कर दिया है। पार्टी ने सीएम पद के तीन बड़े दावेदार नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी बना दिया है, जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के टिकट की घोषणा अब तक नहीं की गई है। वहीं बात करें राजस्थान की, तो माना जा रहा है कि पार्टी राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत को भी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा भी कई अन्य सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया जा सकता है। विधानसभा चुनाव की स्थिति जो भी हो, पर भाजपा ने इस बार साफ संदेश दिया है कि पार्टी किसी एक चेहरे के भरोसे चुनावी मैदान में नहीं उतरने वाली है। चुनाव के बाद पार्टी वसुंधरा राजे और शिवराज दोनों को ही केंद्रीय स्तर पर जिम्मेदारी संभालने के लिए दिल्ली भी बुला सकती है। बता दें कि एमपी से शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया दोनों ही बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। दोनों के पास राज्य में अपना अपना जन समर्थन भी है। दोनों नेताओं ने अब तक केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती नहीं दी है। शिवराज पहले भी कह चुके हैं कि अगर पार्टी उनसे कार्यक्रमों में कालीन बिछाने को कहेगी तो वो भी करेंगे। वो पार्टी के निर्णय का हमेशा सम्मान करते हैं। हालांकि वसुंधरा राजे के समर्थक नेता समय समय पर अपने बयानों से पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी को साबित करते रहे हैं। पार्टी के कई कार्यक्रमों से वसुंधरा का गायब रहना भी इस बात को हवा देता है। बात करें विधानसभा चुनाव की, तो अगर भाजपा इन दोनों राज्यों में चुनाव जीतती है तो सीएम कौन बनेगा, ये अब भी रहस्य है। फिलहाल पार्टी किसी एक के भरोसे नहीं उतर रही है। पार्टी पूरी ताकत झोंक कर इस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के रास्ते में निकल पड़ी है। आगे क्या होगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।